गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ईवीएस क्लास। दिस इज़ योर ईवीएस बुक। हमने लास्ट क्लास में अब तक हमने चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे चैप्टर 3 निकालेंगे। चैप्टर थ्री पेज नंबर 17, डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट रीजन्स। जो विभिन्न पौधे हैं वो कैसे ग्रो करते हैं और डिफरेंट रीजन मीन क्षेत्र, और जो डिफरेंट क्षेत्र हैं वहाँ पे कैसे सर्वाइव करते हैं। By the end of this lesson, you will be able to. जब हम ये चैप्टर पूरा समझ लेंगे और हम ये सक्षम हो जाएंगे समझने में कि इस चैप्टर में क्या है और हमने क्या समझा है। हम इस चैप्टर में समझेंगे डिफाइंड हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स निवास स्थान, कि हम हैबिटेट होता क्या है, आप हैबिटेट से क्या समझते हैं। ग्रुप प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट। जो प्लांट्स के जो ग्रुप होते हैं अलग अलग तरीके के, वो अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग कैसे होते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंट अडेप्टेशन सीन इन प्लांट, और पौधों के बारे में जानेंगे कि वो कैसे अडेप्टेशन करते हैं। अडेप्टेशन मतलब अनुकूल कैसे बनाते हैं अपने आप को जगह के, जैसे रीजन के अकॉर्डिंग टू रीजन। ओके, ऐसे ही एनिमल्स के बारे में भी होता है, जैसे प्लांट्स होते हैं, क्योंकि प्लांट्स भी क्या है, लिविंग थिंग्स है, और जो एनिमल्स है वो भी लिविंग थिंग्स है। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है बच्चों, वो क्या करती है, वो अपने अकॉर्डिंग टू अपने जो एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं। हम ये चीज़ें समझने में सक्षम हो जाएंगे। सभी बच्चे पेंसिल ले लेंगे अपनी, साथ में रखेंगे और मीनिंग भी लिखेंगे। Plants have developed different features in order to survive in different places. जो बच्चों क्या होता है, जो plants have developed, जब पौधे वृद्धि करते हैं तो different feature, विभिन्न प्रकार के उसमें feature in order to survive different places. तो उनके जो features होते हैं different places के according अपने आप को survive करते हैं जीने के लिए। Plants growing in different habitats have special features that are suited to their natural surroundings. तो क्या करते हैं ये, तो पौधे अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपने जो रीजन के अकॉर्डिंग प्लांट ग्रोइंग बढ़ने के लिए अपने प्राकृतिक वास, जहाँ पे ये निवास करते हैं वहाँ पे उनके अकॉर्डिंग अपने आप को चारों ओर से चेंज करते हैं। दिस फीचर्स आर कॉल्ड अडेप्टेशन। इन फीचर्स को, इसको हम, इन विशेषताओं को हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं, अनुकूलन। कि कोई चीज़ अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है तो उसको हम अडेप्टेशन बोलते हैं। अडेप्ट मीन्स होता है किसी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग अडेप्ट करना, चेंज करना। द अडेप्टेशन मेड इन प्लांट्स कैन बी सुटेड स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। हम अडेप्टेशन, जो प्लांट जब अडेप्टेशन करते हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और समझेंगे कितने टाइप्स के हमारे प्लांट्स होते हैं और वो कैसे अपने अकॉर्डिंग टू रीजन चेंज करते हैं। फर्स्ट है आपका टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं जो हमारे भूमि पर होते हैं, स्थलीय प्लांट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्थलीय पौधे कहते हैं। प्लांट्स दे ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जो ऐसे पौधे जो लैंड पर ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, वृद्धि होती है, उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। लेट अस स्टडी द अडेप्टेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स दैट लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। तो हम स्टडी करेंगे अडेप्टेशन के बारे में, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है वो कैसे अडेप्ट करते हैं अपने आप को डिफरेंट हैबिटेट्स में। फर्स्ट पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट में, ऑन द प्लेन्स। टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे होता है, प्लेन जगह जितनी भी होती है वहाँ पे। प्लेन्स आर लार्ज फ्लैट एरिया ऑफ लैंड।
जो मैदानी क्षेत्र है वो बड़े और फ्लैट होता है. फ्लैट मीन्स जैसे एक टेबल होती है बिल्कुल फ्लैट जैसे आपकी बुक है उनको. प्लांट्स दैट ग्रो हेयर हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस एंड विद ब्रॉड लीव्स. और उनकी क्या होती है, ऐसे पौधों जब ये ग्रो करते हैं बढ़ते हैं तो इनकी पत्तियाँ कैसी होती है, पौधे में इनकी पत्तियाँ चौड़ी होती हैं. मैनी ऑफ दिस ट्रीज सर्वाइव द हॉट समर्स मंथ्स बाय शेडिंग मोस्ट ऑफ देयर लीव्स इन समर. इनमें से क्या होता है, इनमें से बहुत से पेड़ गर्मी के दिनों में अधिकांश, अगर उनकी पत्तियाँ क्या होगी, चौड़ी होंगी, तो पत्तियाँ गर्मियों के मौसम में ये क्या होती है, शेडिंग मतलब छाया भी देती है समर में. फॉर एग्जाम्पल टीक, जैसे कौन कौन से होते हैं, टीक, साल, सैंडलवुड, सैंडलवुड जो चंदन की होती हैं, मैंगो ट्री, नीम ट्री एक्सेट्रा. आप देखोगे कभी आपने देखा होगा अपने आसपास नीम की, नीम का जो ट्री होता है वो भी कितना बड़ा होता है. नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 18. देखो टीक ट्री ये ऐसे होते हैं, नीम ट्री, मैंगो ट्री. नेक्स्ट पढ़ेंगे जो प्लेन पे होते हैं, प्लेन एरिया पे, इन डेजर्ट. डेजर्ट मीन्स जो मरुस्थल होते हैं, सूखा मैदान जो होता है, वहाँ पे कैसे पौधे होते हैं वहाँ के बारे में पढ़ेंगे. देयर इज़ ए वेरी लिटिल रेन इन डेजर्ट. आपको पता है जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, इसलिए उसको डेजर्ट कहा जाता है क्योंकि वहाँ मिट्टी ज़्यादा होती है. प्लांट्स हैव टू अडेप्ट देमसेल्व्स टू लिव इन ड्राई कंडीशन. तो वहाँ के जो पौधे होते हैं उनको कैसे अडेप्ट होना पड़ेगा, किस तरीके से अनुकूल होना पड़ेगा, तो वहाँ पे ड्राई होते हैं तो ड्राई कंडीशन में ही उनको सर्वाइव करना पड़ेगा. द फॉलोइंग फीचर्स आर सीन इन दिस प्लांट्स. अब हम इनके जो फीचर्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, नीचे दिया हुआ है. द डेजर्ट प्लांट्स आइदर डोंट हैव एनी लीव्स और हैव वेरी फ्यू ऑफ देम. क्या होता है, डेजर्ट प्लांट्स आइदर डोंट हैव, इनके पास क्या होती है, पत्तियाँ नहीं होती और फ्यू ऑफ देम, और तो ये बहुत ही टाइम तक जीवित भी रहते. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट्स इज कैरिड आउट बाय द ग्रीन स्टेम. तो ये क्या करते हैं, इनका जो ग्रीन, तो क्या होता है डेजर्ट जो होते हैं, डेजर्ट एरिया में जो 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 पौधे होते हैं वो उनकी जो, आपको पता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया किस में होती है, लीव्स में होती है. जब हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है उसमें पत्तियां बनाती है, तो इसमें क्या बनाती है, डेजर्ट एरिया में स्टेम, उनका जो तना होता है वहाँ पे बनता है. द लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस और थ्रॉन्स टू रिड्यूस वाटर लॉस. फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, डैट, प्लम, बबूल एक्सेट्रा. आपको पता है जब एक जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे क्या होता है, जो लीव्स होते हैं उनकी पत्तियाँ होती हैं उनमें से पानी की कमी के कारण कांटे निकलने, थ्रॉन्स मीन्स कांटे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं. ये देखो इनमें छोटे छोटे कांटे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये कौन कौन से होते हैं, कैक्टस, डेट पाम, बबूल एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से पौधे हैं. ऑन माउंटेन, अब हम माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे. माउंटेन में आपको पता है वहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है पहाड़ों पर, तो पढ़ेंगे. ट्रीज ग्रोइंग ऑन माउंटेन आर यूजली टॉल, स्ट्रेट एंड शेप लाइक अ कॉन सो दैट स्नो कैन ईजली स्लाइड ऑफ देयर लीव्स. आपको देखो जान के बहुत हैरानी होगी, आपको माउंटेन, जितने माउंटेन पे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं देखो इनकी शेप हमेशा ऐसी होगी. आप कभी घूमने जाओगे तो आप ऑब्जर्व करना वहाँ जाके, इनकी शेप हमेशा ऐसी होगी, कॉन टाइप. ये कॉन टाइप क्यों होती है, ये एक तो देखो ये टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं बिल्कुल, और इनकी शेप कॉन टाइप होती है. इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे जो बर्फ़ होती है, स्नो होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, तो जब स्नो पड़ती है तो वो फिसल के सीधा नीचे आ जाती है. वहाँ की छतें जो घर भी होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, इस टाइप में बने हुए होते हैं हिली एरियाज में. दे हैव ए वैक्सी कवरिंग टू सेफ गार्ड दैम फ्रॉम स्नो. उनके पास बर्फ से बचने के लिए मोमी कवर होता है, सेफ गार्ड होता है. फॉर एग्जाम्पल अब वहाँ पे जो पौधे होते हैं उनके नाम क्या है, पाइन, फिर देवधर जिसको हिंदी में देवधर बोलते हैं, देवधर एंड स्प्राउस, ठीक है,
स्प्रूस, इनमें ये ऐसे पौधे होते हैं। देखो आपको पिक्चर में भी देवदार एंड फिर ट्री दिखाई देंगे। नेक्स्ट पेज पे आएंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट पेज पेज नंबर 19। इन मर्शर्स, मर्शर्स मीन्स होता है दलदल। प्लेस वेयर द सॉयल इज़ वेरी स्टिकी एंड क्ले आर कॉल्ड मर्शी एरिया। ऐसे स्थान जहाँ पर मिट्टी बहुत चिपचिपी होती है, ठीक है, उस वहाँ पे दलदली क्षेत्र कहा जाता है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्लांट्स टू ग्रो हेयर बिकॉज एयर इज अनेबल टू रीच द रूट्स। तो वहाँ पे ये ऐसा क्यों होता है, चिपचिपी क्यों होती है, पौधों के लिए ये वहाँ उगने के लिए बहुत कठिन हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो जो उनकी रूट्स होती है, जड़ें होती हैं, वो वायु तक नहीं पहुँच पाती। हैंस हैंस मीन्स इसलिए प्लांट्स दैट ग्रो हेयर हैव ब्रीथिंग रूट्स विच ब्रांच आउट आउट ऑफ द सॉयल टू एब्जॉर्ब एयर। तो इसलिए इसलिए क्या होता है वहाँ पर, यहाँ उगाने उगने वाले पौधों में श्वास की जड़ें पहुँच सके, वायु की कमी होती है तो मिट्टी वहाँ से निकलने लग जाती है जड़ों में से। तो ऐसे जो होते हैं वो उनके पौधों वहाँ पे कौन कैसे ट्रीज होते हैं, मैंग्रोव एंड सेंड्री ट्रीज ग्रो वेल इन कोस्टल मर्शेज। अब ये कहाँ पे वेल अच्छे से होते हैं, कोस्टल, कोस्टल मीन्स होता है जहाँ पे हमारा, जैसे आपने नक्शा देखा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है सारा ये तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरिया बोलते हैं इसको, जो हमारे पानी, आपको पता है यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ हिंद महासागर है, तो यहाँ पे सारे में क्या है, पानी है। हमारा जब आप मैप देखोगे तो यहाँ पे आपको मैप में शो दिखाई देगा, तो ये सारा हमारा कोस्टल एरिया जो गुजरात भी कवर करता है, कोस्टल एरिया कहलाता है, इसलिए वहाँ पे ये ज़्यादा होते हैं। इन रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट मीन्स जंगल, ऐसे रेन फॉरेस्ट मीन्स वर्षा वन में। रेन फॉरेस्ट रिसीव रेन थ्रू आउट द ईयर। वहाँ पे ज़्यादातर रेन फॉरेस्ट जहाँ पे ज़्यादातर वर्षा होती है साल भर। मोस्ट ऑफ द ट्रीज दैट आर फाउंड हेयर डू नॉट लॉस ऑल देयर लीव्स एंड दे रिमेन ग्रीन ऑलमोस्ट ऑल द ईयर राउंड। तो यहाँ पे जब साल भर वर्षा होती रहेगी तो यहाँ पाए जाने वाले पौधा अधिकतर इनकी जो पत्तियाँ, वृक्षों में पत्तियाँ नहीं मिलती और वे लगभग हर साल हरे भरे रहते हैं। दे आर कॉल्ड एवर ग्रीन ट्रीज। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एवर ग्रीन ट्रीज बोलते हैं, क्योंकि जब बारिश की जो बारिश जब क्योंकि पौधों को क्या चाहिए होता है, वाटर ही चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, बैम्बू, रोजवुड, रबड़ एंड एक्सेट्रा। रबड़ का भी पौधा होता है जो आपको रबड़ प्राप्त होती है, देखो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, बैम्बू ट्री, रोजवुड एंड रबड़ ट्री। इन कोस्टल एरिया, अभी मैंने आपको बताया था कोस्टल एरिया कौन सा होता है, तो हम उसके बारे में, प्लांट सच एज कोकोनट ग्रो इन कोस्टल एरिया बिकॉज दे कैन सर्वाइव इन सोल्टी वाटर। कैसा वाटर, सोल्टी, नमक वाला, एंड प्रीफर्स एरिया ऑफ हाई रेनफॉल। तो कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्र, वहाँ पे क्या होता है, जो कोकोनट होता है, कोकोनट जो नारियल के पौधे होते हैं वो तटीय क्षेत्र में उगाए जाते हैं, उगते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको सर्वाइव करने के लिए कैसा वाटर चाहिए होता है, सॉल्टी वाटर चाहिए होता है। तो आपको पता है बच्चों, जितना भी हमारा कोस्टल एरिया है वहाँ पे सब सॉल्टी वाटर मिलता है, प्राप्त होता है, एंड प्रीफर एरिया, तो वो एरिया बिल्कुल अच्छा होता है जिससे वो वहाँ पे जीवित रह सकें। दे हैव टू एडजस्ट टू स्ट्रॉन्ग विंड्स, वहाँ पे जो हवाएं होती है तेज होती है, सैंडी सॉयल होती है, हॉट सन, और सन चमकता हुआ होता है, एंड हाई ह्यूमिडिटी इन एयर। तो वहाँ की जो हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जैसे अब हमारी बारिश आएगी तो हमारा मौसम भी कैसा हो जाएगा, ह्यूमिडिटी वाला हो जाएगा, चिपचिपाहट वाला। द शीट्स ऑफ सच प्लांट्स आर डिस्प्रेस बाय द वाटर। तो क्या होता है, ऐसे पौधों के बीज पानी से भी, मतलब क्या होते हैं, डिस्प्रेस कर देते हैं, बिखेर देते हैं वहाँ के बीज, तो ये जगह जगह ये उग जाते हैं। नेक्स्ट पेज पेज नंबर 20। एक्वाटिक प्लांट्स, एक्वा मीन्स क्या होता है, पानी, प्लांट्स मीन्स पौधे, पौधे वाले जो पौधे जो पानी में उगते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर नोन एज एक्वाटिक प्लांट्स। ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं उनको एक्वाटिक प्लांट्स बोलते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स, ये थ्री टाइप्स के होते हैं,
हम इन्हीं टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फिक्स्ड प्लांट, फिक्स्ड प्लांट्स मीन्स जो बिल्कुल पौधे फिक्स्ड होते हैं। दिस प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड टू द सॉयल अंडर द वाटर, पानी के अंदर सॉयल में वो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं। दे हैव लॉन्ग थिन एंड होलो स्टेम, इनकी जो डंडी होती है बहुत ज़्यादा थिन पतली होती है। दैट रीच द सरफेस ऑफ द वाटर, लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट विद ए वैक्सी कवरिंग ऑन द सरफेस टू प्रिवेंट them from rooting। तो इसमें क्या होता है, जो इन पौधों की जो जड़ें होती है पानी के नीचे होती हैं, आपको पिक्चर में दिखाई दे रही होंगी, और उनके लंबे पतले और खोखले तने होते हैं जो पानी की सतह तक पहुँच जाते हैं, बिल्कुल अंदर तक होते हैं, जो पानी की सतह तक पहुँच जाते हैं। तथा इन पौधों में जो पत्तियाँ होती हैं, देखो ये पत्तियाँ देखो कितनी चौड़ी है, जो लोटस है उसकी भी पत्तियाँ कितनी चौड़ी होती है और चपटी होती है। अभी कौन कौन से होते हैं, वाटर लिली एंड लोटस इसके एग्जाम्पल है। फ्लोटिंग प्लांट्स, फ्लोटिंग माने क्या होता है, तैरना, तो ऐसे पौधे जो पानी में तैरते हैं। डकवीड एंड वाटर हाइसिंथ एंड फ्लोटिंग प्लांट्स, तो डकवीड और वाटर हाइसिंथ एक प्लांट्स हैं जो पानी में तैरते रहते हैं। स्टेम ऑफ दिस प्लांट्स आर लाइटली एंड स्पोंगी सो दैट हैव कैन फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। तो इसमें क्या होता है, जो ये इनकी जो ये जो दो पौधे हैं डकवीड एंड वाटर हाइसिंथ, इनकी जो वो होती है स्टेम होती है बहुत ज़्यादा स्पोंगी होती है, जो पानी में भी तैरती है। स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द अपर साइड ऑफ द लीव्स ऑफ सच प्लांट, तो इनमें स्टोमेटा भी प्राप्त होता है। वो कहाँ पे होता है, वो अपर साइड में होता है पत्तियों के बिल्कुल। अंडर वाटर प्लांट्स, अंडर जो पानी के अंदर होते हैं, आपने कभी डिस्कवरी में देखा होगा, वहाँ पर दिखाते हैं अंडर वाटर प्लांट्स। तो सभी बच्चे, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा, आप सभी बच्चे डिस्कवरी चैनल भी देखे कीजिए, वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं। अंडर वाटर प्लांट, दिस प्लांट ग्रो अंडर द सरफेस ऑफ वाटर एंड हैव थिन एंड नैरो लीव्स। वहाँ पे क्या होता है, दिस प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर, ये पानी के अंदर होते हैं। कहाँ पे, पानी के नीचे आने वाले पौधों की पानी की सतह, ये पानी की बिल्कुल सतह के नीचे उगते हैं विदाउट एनी स्टोमेटा, और इसमें स्टोमेटा नहीं होता। दिस लीव एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डायरेक्टली थ्रू देयर सरफेस। तो ये कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को कर लेते हैं, अवशोषित करते हैं उनकी पानी की पत्तियों की अपनी सतह से, जब वो थोड़ा जब ऊपर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इनके कौन कौन से, ये हाइड्रिला एंड टैप ग्रास, ये सब अंडर वाटर प्लांट्स हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चों को अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है कीवर्ड्स एंड टू सम अप, अपनी कॉपी में सभी बच्चे लिख लेंगे। ओके, जय हिंद बच्चों।